आप इस प्लांट की कंडीशन देख रहे होंगे कितनी ज्यादा खराब हो गई है, वर्स्ट कंडीशन हो गई है मेरे इस पौधे की। तो इस पौधे के खराब होने का ऐसे बेसिक रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि कम इसको कम पानी दे दिया है, या इसको ज्यादा पानी दे दिया है, या इसको कम लाइट दे दी, या फिर मैंने इसको ज्यादा लाइट दे दी, या ज्यादा फर्टिलाइज कर दिया। ये जितने भी बेसिक रीजंस हैं वो इस पौधे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ जो एक रीजन है वो है एक कीड़ा जिसका नाम है नेमाटोड, जो कि जड़ों में छुपके बैठता है और हमारे पौधे की ये कंडीशन हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम है। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ये जो मैं आपको नेमाटोड बता रही हूँ, NEMATODE, जो ये नेमाटोड कीड़ा है, ये हमारे पौधे की जड़ों के अंदर लग जाता है और ये जैसे एफिड्स, मिलीबग्स या और भी तमाम जो कीड़े होते हैं वो हमें पौधों के ऊपर ऐसे ही दिख जाते हैं। बट जो नेमाटोड की बात कर रही हूँ, ये कीड़ा आपको ऐसे ही ऊपर नहीं दिखाई देगा, ये प्लांट्स की जड़ों के अंदर लगता है। प्लांट्स की जड़ों के अंदर घुसता है और घुसने के बाद वहां पे अपनी कॉलोनीज को बिल्डअप करता है और जितना भी प्लांट का न्यूट्रिएंट होता है उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और कंडीशन हो जाती है ये। अब आप एक चीज देखिए, आपको ये थोड़ा थोड़ा तो ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई यार ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, या इसको पानी दे दिया जाएगा, या कुछ इसमें केमिकल पेस्टिसाइड दे देंगे। तो मैं वो सब चीज भी कर चुकी हूँ पहले, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी, फिर मैंने गो थ्रू किया, फिर नेट से सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि नेमाटोड जो कीड़ा है वो जड़ों में प्लांट के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्लांट्स की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, जो पौधा है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, ऊपर से जो नई ग्रोथ होती है वो भी बननी बंद हो जाती है। अगर मैं फूलों वाले पौधे की बात करूं तो फूल की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, फूल बहुत कम निकलने लगते हैं, और जो हमारा प्लांट है उसके पत्ते ऐसे लटक जाते हैं, मुरझा जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये सारे इंडिकेशन है नेमाटोड यानी कीड़े के लगने के हमारे पौधे में। तो आप हमेशा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है सिर्फ बेसिक कंडीशंस ही हमारे पौधे को खराब कर सकती हैं। ये ऐसा कीड़ा जो कि दिखाई भी नहीं देता और जड़ों में घुस के हमारे पौधों को खराब करता है, तो इससे अपने प्लांट्स को आप जरूर बचाइए। और तीन स्टेज में देखिए लगता है, पहला स्टेज तो क्या होगा, कुछ पत्ते आपके पीले हो जाएंगे प्लांट्स के। दूसरी स्टेज में आपको क्या लगेगा, जो ये पूरा का पूरा स्टेम आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा लटक जाएगा। और तीसरी स्टेज में तो क्या होगा, जैसे आपको ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है मुरझा गया है, अपने आप देखिए इस तरीके से गिर भी गया है और इसके ब्राउन भी हो गए हैं एजेस पूरे के पूरे, तो इसका मतलब ये थर्ड स्टेज में पहुंच गया है, तो हम इसको पौधे को नहीं बचा सकते। अगर मैं इस प्लांटर के अंदर नया पौधा लगाऊंगी तो मुझे पहले इस मिट्टी को भी चेंज करना पड़ेगा, और मिट्टी को चेंज करने के बाद इस गमले को भी बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। बल्कि अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स वाले प्लांट की, या खेतों में जो खेती जो होती है वहां पे, तो क्या होगा, जैसे हम चप्पलों से जैसे भी किसी भी खेत में अगर हम चल रहे हैं और वहां पे नेमाटोड लगा हुआ है कीड़ा, तो अगर हम दूसरे खेत में जाएंगे ना उन्हीं चप्पलों को पहन के, तो वो उन्हीं चप्पल के साथ उस दूसरे खेत में पहुंच जाएगा। तो जो नेमाटोड है ये कीड़ा, ये हमारे पौधों को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। ये देखिए, ये चीजें तो आपको ये इसकी स्टेम जो लटकी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये पौधा ऐसा लग रहा होगा इसकी जो स्टेम है थोड़ी स्ट्रांग है, थोड़ी हार्ड है, अभी ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये नेमाटोड कीड़ा है ना, ये अंदर अंदर से ना इस पौधे को खा चुका है, कम्प्लीटली खत्म कर चुका है। तो इस पौधे को मैं अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक नहीं कर पाऊंगी। बहुत प्यारा पौधा था मेरा ये अम्ब्रेला प्लांट, बट अब कुछ नहीं हो सकता। बट एनीवेज, आप अपने प्लांट्स को इस कीड़े से जरूर बचाइएगा, फिगर आउट कीजिएगा। नेमाटोड के बारे में, इस कीड़े के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता थी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।